अक्सर लोग चाहते हैं कि उन्हें जॉब के साथ या पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा पार्ट टाइम वर्क मिल जाए जिसे वो खाली टाइम में करके एक हैंडसम अर्निंग कर सके, जिसके लिए उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सेटअप भी न करना पड़े। सो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही काम के बारे में बताने वाला हूँ जो आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सेटअप करने की जरूरत भी नहीं है और इससे आप एक हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। इस काम के लिए आपके पास बस एक मोबाइल होना चाहिए और आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसमें आपको इंश्योरेंस सेल करना होता है, जैसे कि कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इस तरह के इंश्योरेंस आपको सेल करने होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको KYC से लेकर काम करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंश्योरेंस सेल करके पैसे कमाने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इससे आप 50,000 रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं। टाइम की कोई लिमिट नहीं है और ना ही कोई टारगेट्स हैं। आप जब चाहे, जहां से चाहे, जितना चाहे काम कर सकते हैं। इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एक मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेलिंग में आपका कितना एक्सपीरियंस है वो आप यहां चूज कर लेंगे। जैसे कि अगर आप न्यू हैं तो आप बिगिनर चूज कर लेंगे। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर 3 साल से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस है तो आप प्रोफेशनल चूज कर लेंगे। जैसे कि हम बिगिनर चूज कर लेते हैं। इसमें अपना फुल नेम और ईमेल आईडी डालेंगे। नीचे लैंग्वेज चूज करेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी और इंग्लिश चूज कर लेते हैं। इसके बाद सिलेक्ट लैंग्वेज। अगर आपको व्हाट्सएप अपडेट्स चाहिए तो आप इस पर टिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको KYC कंप्लीट करनी होगी, जिसके लिए आप कंप्लीट योर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपनी एक फोटो अपलोड करनी होगी, जिसके लिए आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, मैरिड है या अनमैरिड। इसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की एक फोटो अपलोड करनी होगी, जिसके लिए आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आप कैमरा से अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक कर सकते हैं और अगर पहले से क्लिक किया हुआ है तो आप गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। पैन कार्ड फोटो अपलोड करते ही आपके सामने पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो कि ये पैन कार्ड से ले लेगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी। फ्रंट साइड अपलोड करने के लिए अपलोड फ्रंट पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आप डायरेक्ट फोटो क्लिक कर सकते हैं या गैलरी से चूज कर सकते हैं। इसके बाद बैक साइड अपलोड करेंगे, जिसके लिए अपलोड बैक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे। नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, जो ये आपके आधार कार्ड से ले लेगा। अगर ये सही नहीं है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी होगी, जिसके लिए आप कैंसिल चेक, बैंक की पासबुक या बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। आप पासबुक, कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट का फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर आप गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। जैसे आप कैंसिल चेक, पासबुक या बैंक का स्टेटमेंट चूज करेंगे तो नीचे आपकी बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नीचे अगर बैंक डिटेल्स सही नहीं आती है तो आप खुद से भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ से आप चूज कर लेंगे कौन सा सर्टिफिकेट आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं 12th मार्कशीट अपलोड करना चाहता हूँ तो अपलोड पर क्लिक करेंगे और मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम चूज कर लेना है। अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड चूज करेंगे, वरना आप यहाँ से चूज कर लेंगे आपकी इनकम का सोर्स क्या है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। अगर आप न्यू है तो आप फ्रेशर चूज कर लेंगे। चलिए हम 2 ईयर्स चूज कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऑफिस है तो आप इसको यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। अगर आप पहले से कोई इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे। जैसे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। इसमें आप एजेंसी चूज कर लेंगे, किस एजेंसी के आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। करंट बिजनेस का ईयरली प्रीमियम कितना है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप करंटली कोई इंश्योरेंस सेल नहीं कर रहे हैं तो आप इन सबको अनचेक रखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पैन डिटेल्स, आधार डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, बिजनेस इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद 2 दिन का टाइम लगेगा वेरिफिकेशन में। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप इंश्योरेंस सेल करना शुरू कर सकते हैं। KYC वेरीफाई होने के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट लेने होंगे। बिना सर्टिफिकेट के आप इंश्योरेंस सेल नहीं कर सकते। ये दोनों सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिलेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी होगी और ऑनलाइन ही एग्जाम क्लियर करना होगा। इसके लिए आपको मिंट प्रो में लॉग इन कर लेना है। आप चाहे तो एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ब्राउजर में भी लॉग इन कर सकते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं KYC वेरीफाइड हो चुकी है। तो आप ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक है LIPOSP सर्टिफिकेट जो कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी है। दूसरा है GIPOSP सर्टिफिकेट जो कि जनरल इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको लेने होंगे, इसके बाद ही आप इंश्योरेंस सेल करना शुरू कर सकते हैं। इन दोनों सर्टिफिकेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आप 40 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस और दूसरे सभी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए और 15 घंटे के अंदर अंदर आप ट्रेनिंग और एग्जाम दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले हम GIPOSP सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसके लिए स्टार्ट सर्टिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे। आप GIPOSP सर्टिफिकेशन कोर्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में क्लियर करना है तो आप इंग्लिश चूज कर लेंगे और अगर आपको हिंदी में क्लियर करना है तो आप हिंदी चूज कर लेंगे। इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आप सीखेंगे कि इंश्योरेंस क्या है, इंडियन इंश्योरेंस मार्केट की सिचुएशन क्या है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या हैं, इंश्योरेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, ये सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखेंगे। तो इसमें आपको पहले ट्रेनिंग कम्प्लीट करनी है, उसके बाद आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। आपके सामने वीडियोस आते रहेंगे, यहाँ पर आपको ये वीडियोस देखना है। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपको इंग्लिश में वीडियो मिलेगा, अगर आपने हिंदी चूज किया है तो आपको हिंदी में वीडियो मिल जाएगा। हर एक वीडियो का एक टाइम है, जैसे कि आप देख सकते हैं 7:42 आपका टाइम रह गया है। तो आपको ये पूरे टाइम तक इस वीडियो को देखना है, इसके बाद आप नेक्स्ट लेसन पर क्लिक करेंगे। तो ये आपकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल 1 है। इसमें आप जानेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है। यहाँ पर जो टाइमिंग चल रही है इसके फिनिश होते ही आप नेक्स्ट लेसन में जा सकते हैं। तो तब तक आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। आपका जो एग्जाम होगा उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिए तो आप आसानी के साथ उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आप नेक्स्ट लेसन में जा सकते हैं, जिसके लिए आप नेक्स्ट लेसन पर क्लिक करेंगे। मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप जानेंगे कि इंडियन इंश्योरेंस मार्केट की सिचुएशन क्या है। इसमें भी आपको टाइमिंग मिल जाएगी, जैसे ये टाइम फिनिश हो जाएगा तो आप नेक्स्ट लेसन में जा सकते हैं। सेकंड मॉड्यूल का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद आप नेक्स्ट लेसन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने मॉड्यूल 3 आ जाएगा, इसमें आप इंश्योरेंस के प्रिंसिपल जानेंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ वीडियो देखते जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ और जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब जैसे कि हमने सभी वीडियोस को वॉच कर लिया है तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको अपना फीडबैक शेयर करना होता है, तो यहाँ से आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि आपको GIPOSP सर्टिफिकेशन कोर्स यूजफुल लगा। तो मैं इसको वेरी यूजफुल सिलेक्ट कर देता हूँ। समझने में कैसा था मैं इजी चूज कर देता हूँ। रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5-स्टार रेटिंग दे देता हूँ। इसके बाद अगर आप चाहें तो कोई और सजेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट फीडबैक पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रेनिंग हमने कंप्लीट कर ली है, तो इसके बाद हम एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा 24 घंटे पूरे होने का और 24 घंटे के बाद स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करके मैं एग्जाम स्टार्ट करूंगा। तो हमें ट्रेनिंग कंप्लीट किए 24 घंटे का टाइम हो चुका है, तो स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करके हम एग्जाम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं और 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसको आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर
आपको इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में अटेम्प्ट करना है तो आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें भी आपको इस तरह से ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप सही आंसर चूज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे और आप सही आंसर चूज करके नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। 30 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो आप बड़े ही आराम से इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये सब ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो अगर आपने सही से ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने सभी 30 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, तो इसके बाद रिव्यू एंड सबमिट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी आंसर्स आ जाएंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया है, आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद सबमिट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, सबमिट करते ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, आप एग्जाम पास कर चुके हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, इसमें आप ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट। पीडीएफ में आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। ये है आपका सर्टिफिकेट जिसमें आपका नेम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर सभी कुछ दिया गया है। एक बार ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप जनरल इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। GI POSP सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको LI POSP सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करना होगा। LI POSP सर्टिफिकेशन कोर्स में भी आपको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बाद एग्जाम क्लियर करना होगा। कोई भी इंश्योरेंस सेल करने के लिए मिंट प्रो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इसमें सेल पर क्लिक करेंगे। यहां से आप कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और मोबाइल इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसको अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराना है, तो आप बाइक पर क्लिक करेंगे, इसमें आप उसकी बाइक का नंबर डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने व्हीकल की सभी डिटेल्स आ जाएगी। आप एड पॉलिसी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको पॉलिसी टाइप चूज कर लेना है। हर एक व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है, जब भी कहीं चेकिंग होती है तो उसमें आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही चेक किया जाता है। तो यहाँ से आप टाइप ऑफ पॉलिसी चूज कर लेंगे, जैसे कि हम थर्ड पार्टी चूज कर लेते हैं। आपने पहले से जो इंश्योरेंस कराया हुआ है वो कब एक्सपायर हो रहा है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, पहले जो इंश्योरेंस कराया था वो कैसा था वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे कि हम थर्ड पार्टी चूज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसमें आप कोई रेफरेंस नेम डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, आपके सामने अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस आ जाएंगे, साथ ही यहीं पर प्राइस भी दिया गया है। आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, जैसे कि हमें इस कंपनी से बाय करना है तो बाय पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको ऑनर की डिटेल्स फिल करनी है, पहले आप टाइटल चूज कर लेंगे, ऑनर का नेम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आप एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद ऑनर का रजिस्टर्ड एड्रेस फिल करेंगे, इसमें आप स्टेट चूज कर लेंगे, इसके बाद सिटी या डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, इसके बाद पिन कोड डालेंगे, बाकी एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ऑनर की कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आप जेंडर चूज कर लेंगे, अगर आप चाहें तो पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। नीचे आप डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स फिल करेंगे, जिसमें आप नॉमिनी का रिलेशन चूज कर लेंगे, इसके बाद नॉमिनी का नेम डालेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके सामने बाइक डिटेल्स आ जाएगी, इसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। नीचे आप चूज कर लेंगे क्या बाइक फाइनेंस्ड है, अगर लोन पर बाइक ली हुई है तो आप यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। इसके बाद PUC डिक्लेरेशन देंगे कि आपके पास एक वैलिड PUC सर्टिफिकेट अवेलेबल है, इसके बाद कंटिन्यू। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, बाइक डिटेल्स सब फिल हो चुकी है। इसके बाद आपको प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स फिल करनी होगी, आपने पहले जो इंश्योरेंस लिया था उसकी एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है, पिछली पॉलिसी का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी का नेम चूज कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन मोड चूज करेंगे। इसमें आप शेयर पेमेंट लिंक पर क्लिक करके पेमेंट लिंक शेयर कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी पेमेंट करा सकते हैं। अगर आप खुद पेमेंट करना चाहते हैं तो मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया
जाएगा, यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। आप चूज कर लेंगे पे यू बिज और पे। इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई से पे कर सकते हैं। चलिए मैं इंटरनेट बैंकिंग से पे कर देता हूँ, नेट बैंकिंग चूज करूंगा। इसमें बैंक चूज कर लेंगे, इसके बाद प्रोसीड। इंटरनेट बैंकिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको एक स्क्रैच कार्ड भी मिल जाएगा, इसको आप यहां से स्क्रैच कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही पॉलिसी जनरेट हो जाएगी, जो कि आप डाउनलोड पॉलिसी पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही ये पॉलिसी जो भी आपने ईमेल आईडी डाली थी उस पर भी सेंड की जाती है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है। जितने भी इंश्योरेंस आप सेल करते हैं वो आप बिजनेस में देख सकते हैं। बिजनेस आइकन पर क्लिक करेंगे, इसमें आप इंश्योरेंस सेल्स पर क्लिक करेंगे। अभी जैसे कि हमने एक इंश्योरेंस सेल किया है तो वो यहाँ पर आ गया है। इस पर आप क्लिक करके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं और यहीं से आप कस्टमर को शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करके पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। जो अमाउंट आप पॉलिसी बाय करने के लिए पे करते हैं वो आप कस्टमर से लेंगे और उसमें से आपका कमीशन सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, उस बैंक अकाउंट में जो आपने मिंट प्रो में लिंक किया हुआ है। इसमें दो पेमेंट साइकिल है, जो पॉलिसीज आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में सेल करते हैं उसका पेमेंट आपको अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में किया जाता है, और जो पॉलिसीज आप 15 तारीख से लेकर 30-31 तारीख तक सेल करते हैं उसका पेमेंट आपको अगले महीने की 15 तारीख से लेकर 30-31 तारीख के बीच में किया जाता है। जो भी आपका कमीशन होता है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, इसके लिए आपको कहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। इंश्योरेंस करते समय आप जो भी ईमेल आईडी डालते हैं उस पर भी पॉलिसी सेंड कर दी जाती है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं पॉलिसी सेंड कर दी गई है। इसमें आपको पॉलिसी से रिलेटेड सभी डिटेल्स मिल जाएगी और साथ ही यहाँ पीडीएफ में पॉलिसी मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। ये है इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी हमने अपने कस्टमर के लिए बाय की है। अगर बात करें इनकम की तो इससे आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, आप खुद के काम के बॉस बन सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप जब चाहे काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप रिटायरमेंट की एज के बाद भी काम कर सकते हैं। आप जो भी पॉलिसी सेल करते हैं उसके फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर आपको कमीशन मिलता है, अगर कोई पॉलिसी को रिन्यूअल कराता है तो उस पर भी आपको कमीशन मिलता है, इसके अलावा आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर आप इस पेज पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीचे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने मिस्टर ए को एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस सेल किया जिसका प्रीमियम था 14,000 रुपए, तो आपको 30% का कमीशन मिलेगा जो बनता है 4,200 रुपए। इसी तरह से मिस्टर बी को आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस सेल किया जिसका प्रीमियम था 12,000 रुपीज, तो आपको 15% का कमीशन मिल जाएगा जो बनता है 1,800 रुपीज। मिस्टर सी को आपने एक कार इंश्योरेंस सेल किया जिसका प्रीमियम था 13,000 रुपीज, तो इस पर आपको 15% का कमीशन मिलेगा जो बनता है 1,950 रुपीज। मिस्टर डी को आपने एक बाइक इंश्योरेंस सेल किया जिसका प्रीमियम है 2,500 रुपीज, तो आपको 17.5% का कमीशन मिलेगा जो बनता है 438 रुपीज। तो मान लीजिए आपने ये चार पॉलिसी सेल कर दी तो आपकी कमाई हुई 8,388 रुपीज। इसी से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितनी पॉलिसी सेल करके कितने पैसे कमा सकते हैं। सो इस तरह से बिना कोई इन्वेस्टमेंट या बिना किसी सेटअप के आप अपने मोबाइल फोन से इंश्योरेंस सेल करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।